पिछले 15 दिनों से जारी एसटी कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने आज अहम ऐलान किया। कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। परिवहन मंत्री अनिल परब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसटी कर्मियों की वेतन वृद्धि की घोषणा की। एसटी निगम का राज्य सरकार में विलय और 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए एसटी कर्मचारियों की हड़ताल पर आखिरकार हल निकाला गया है। परिवहन मंत्री अनिल परब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसटी कर्मियों के वेतन वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एसटी के इतिहास में यह सबसे ज्यादा वृद्धि है। अनिल परब ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की है। इस अवसर पर मंत्री उदय सामंत, भाजपा विधायक गोपी चंद पडालकर और सदाभा खोत मौजूद थे। हमने सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा है, यदि समिति द्वारा विलय का निर्णय सरकार को दिया जाता है तो उसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इस विषय पर तब तक नहीं बोला जा सकता जब तक यह निर्णय के तौर पर घोषित नहीं हो जाता। इसीलिए तब तक सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। यह वृद्धि उनके मूल वेतन में की जाएगी, ऐसा इस दौरान परब ने कहा। हालांकि एसटी कर्मचारी इस निर्णय के बावजूद भी वे इससे खुश नजर नहीं आए। उनका कहना था उन्हें विलीनीकरण ही चाहिए, जब तक विलीनीकरण नहीं होगा तब तक वो आंदोलन पीछे नहीं लेंगे। आज राज्य शासनाने माननीय परिवहन मंत्री महोदय अनिल परब साहेब यांनी त्यांच्या राज्य शासनातर्फे आम्हाला अंतरिम पगारवाढीचा काही दिलेला आहे तो आमच्या कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही। आमची एकच मागणी होती की राज्य शासनामध्ये एसटी कर्मचाऱ्याचं विलीनीकरण करणं आणि अंतरिम पगारवाढ म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या तोंडाला पाणी पुसण्यासारखं काम केलंय आणि तो आम्ही आमचा कर्मचारी मान्य करणार नाही। आम्ही आमच्या 45 कर्मचाऱ्याचं हुतात्म्य वाया जाऊ देणार नाही। लढीन तर शेवटपर्यंत लढीन, विलीनीकरण हे घेऊनच घेईन। जर त्यांना आम्हाला सन्मानपूर्वक द्यायचंच आहे तर आमच्या एकमेव मागणीचा विचार करायला पाहिजे माननीय परिवहन मंत्री महोदयांनी। असं याचं त्याचं ऐकून सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आमच्या संपाची नोटीस ही अनिल कुमार अजय कुमार गुज्जर यांनी दिलेली होती, त्यांना कुठेही चर्चेसाठी बोलवण्यात आलेलं नाही। जर त्यांना चर्चेला बोलावलं नाही तर बाकीच्या आमदारासोबत चर्चा करण्याचा कुठलाही त्यांना अधिकार नाही। ज्यांनी लीगल नोटीस दिली त्यांना चर्चेसाठी बोलवा, अजय गुज्जर जे म्हणतील ते आम्ही सर्व कर्मचारी मान्य करू। माननीय ॲडव्होकेट सदावर्ते साहेब जे आम्हाला आदेश देतील ते आम्ही मान्य करू। पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांचं कुठेही आता आम्ही ऐकणार नाही। त्यांना आम्हाला फक्त गाजरच दाखवले, ते गाजर आम्ही स्वीकारणार नाही। आमचा आणि आमच्या जे शहीद झाले आमचे 45 बांधव त्यांचा पूर्णपणे या राजकारणी लोकांनी अपमान केला, त्यांचा मी आज घडीला जाहीर निषेध करतो। इथून पुढे 20 तारखेपर्यंत संप कंटिन्यू राहील। माननीय उच्च न्यायालय जे आम्हाला आदेश देईल ते आम्ही स्वीकारणार। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोडके साथ अभिषेक पानसी, BCN News, Nagpur।